पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। किसे कॉल कर रही हो? आदि को, क्योंकि आपका ईगो तो आपको ये करने नहीं देगा। नो, कोई जरूरत नहीं कॉल करने की। ओके, मत करो। मैंने कहा ना फोन पर, मैं थोड़ा फोन उठा के ना फेंक दूंगा। मैं बड़बड़ाती रहना कि पैसों की कदर नहीं है मिस्टर कपूर को। वो तो आपको अपने दोस्तों की नहीं है, मैं अपने दोस्तों को कॉल कर रही हूँ, क्योंकि वो आपके दोस्त तो रहे नहीं ना। तुम्हारे दोस्त है, राइट? वो किसी के दोस्त नहीं है, दोस्ती नहीं निभाई है उन्होंने। आप बस मुंह फुलाकर बैठे रहिए मिस्टर कपूर, वो भी उस बात के लिए जो सच नहीं है। लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आदि को कॉल कर रही हूँ उससे हेल्प मांगने के लिए, और आप मेरे फोन को हाथ नहीं लगाएंगे। पीहू मेरे लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। बोलते आदि, मैं मिस्टर कपूर के साथ हूँ कार में। मुझे लगता है कि मिस्टर कपूर ने मिसेस कपूर के साथ मिलकर पीहू को किडनैप कर लिया। एक्सक्यूज मी, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया है। ओके, वो मेरी बेटी है वो। आदि, तुम क्या प्लीज पीहू की लोकेशन पता लगाकर मुझे बता सकते हो? मैं समझ गया प्रिया, राम को मेरी हेल्प चाहिए लेकिन वो मांगेगा नहीं। प्रिया आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ, हम पीहू को ढूंढ लेंगे, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच आदि, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। बाय। क्या कहा तुमने एंड में? सच कहा है जो आपको सुनना पसंद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं इन दोस्तों के बिना, तुम्हारे दोस्तों के बिना अपनी बेटी को ढूंढ नहीं सकता? अब देखना कैसे मैं पीहू को ढूंढता हूँ, वो भी अकेले। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। भगवान प्लीज पीहू को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। हमें पीहू को ढूंढने में उनकी हेल्प करनी होगी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि नंदनी कपूर कितना गिरेगी। अरे उनसे और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है। मुझे तो इस बात का डर है कहीं नंदिनी आंटी पीहू को कुछ हार्म तो नहीं करेगी ना। एग्जैक्टली कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रीति का गुस्सा उस छोटी सी बच्ची पर निकाले। इतनी भी बेवकूफ नहीं है नंदिनी कपूर, अगर पीहू को खरोच भी आई तो राम उसको छोड़ेगा नहीं, और ये बात वो जानती है। वो सिर्फ प्रिया को डराने के लिए सब कर रही है। और उसमें वो कामयाबी तो हो रही है। कृष, मुझे बहुत डर है कि प्रिया कहीं टूट ना जाए, पीहू में उसकी जान बसती है, पता है ना तुम्हें। और वही प्रिया को स्ट्रांग बनाता है सारा। आई प्रॉमिस, मेरे रहते ना ही राम ना ही नंदिनी कपूर पीहू और प्रिया को कभी अलग नहीं कर पाएंगे। हम भी नहीं चाहते कि प्रिया और पीहू कभी अलग हो, आई स्वेयर। वैसे मैं जानता हूँ कि पीहू को कैसे ढूंढना है। कैसे? क्या बात है, पार्टी हो रही है, वो भी मेरे बगैर? चलो आओ, तुम भी बैठो और चाय पियो। चाय? आंटी, आज जो आपने किया है ना, उसके बाद तो हमें शैंपेन के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, exactly, मैं भी यही कह रहा था, पर मॉम कह रही है अभी भी हमें संभल कर रहना पड़ेगा। I don't know why. किससे? प्रिया के अगले कदम से। But mom, I'm really tired. तुम ही समझाओ ना इन्हें। अब प्रिया कर भी क्या लेगी? नहीं शुभ, आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रिया को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। एग्जैक्टली exactly. सैंडी कॉलिंग, मैंने वेदिका के लिए फोन ऑन किया था, फोन ऑफ करना भूल गया। आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है अब। नहीं नहीं नहीं, उठाओ और पूछो कि वहां क्या चल रहा है। स्पीकर पे डाल। शुभम सर, आई एम रियली सॉरी, मैं सच में पीहू का सच आपको बताना चाहती थी, पर आप तो जानती हैं ना कि मैं आपके टुवर्ड्स कितनी लॉयल हूँ। लॉयल? इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे सैंडी। मैंने तुम्हें इतना ट्रस्ट किया था, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था सैंडी, आई एम सॉरी। और तुम्हारी बहन, वो मेरी मॉम को ब्लेम कर रही है अपनी गलतियों के लिए। How dare? क्या समझ रही है अपने आप? I'm sorry sir. प्रिया दी घबराई हुई थी, वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने वो सब कह दिया था। पर सर, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आप ही की साइड हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि पीहू अपने डैड के साथ हो। ओके, बाय द वे, प्रिया कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, वो बहुत देर से घर ही नहीं आई है। इनफैक्ट इन सब का पता भी हमें विक्रांत जीजू से पता चला है। ओके ओके सैंडी, अगर तुम इतनी लॉयल हो ना तो तुम मुझे जरूर बताना कि प्रिया क्या करने वाली, एटलीस्ट दैट आई डिजर्व। ऑफ कोर्स सर, मैं लॉयल हूँ और जैसा भी होगा मैं आपको बताती रहूंगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू सैंडी। ओके सर। क्या बात है शुभम, ये लड़की तो पूरे तुम्हारे कंट्रोल में। Yeah, not bad. मिला? गुड जॉब सैंडी, मिल गया लोकेशन। तुमने शुभम को अपनी बातों में लगा के रखा, इससे हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। गुड जॉब।
डफर है ये शुभम, उसने तेरे पे ट्रस्ट कर लिया कि तो उसकी साइड है। करेंगे ही ना, इतने दिनों से मेरे आइडियाज को यूज करके राम सर को इम्प्रेस कर रहे थे, तो बस इसी भरोसे का फायदा उठाया मैंने, बिकॉज इट्स पेबैक टाइम। गुड जॉब ब्रो। थैंक यू। तो बेसिकली हमें लोकेशन का पता चल गया, राइट? यस, अब हमें पीयू का पता चल जाएगा कि कहाँ है वो। प्रिया को ये बात बता देनी चाहिए, अगर राम ने ये बात अपने हाथ में ले ली ना, तो नंदिनी आंटी को पीछे हटना ही पड़ेगा। या ब्रो, लेट्स डू दिस। मैं नहीं जा रहा हूँ आगे, क्योंकि मॉम वहाँ नहीं होगी। मैं कह रही हूँ ना, वो वहीं पर होंगी, आप मुझे प्लीज वहाँ लेकर जाइए। वो मेरी मॉम है, मैं अपनी मॉम को जानता हूँ, अगर वो छुपने की कोशिश भी कर रही है ना, तो फार्म हाउस नहीं जाएंगे। वो तो आप मानते हैं कि उन्होंने किडनैप किया है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो पीहू को लेके वहाँ नहीं जाएंगी। ओके, तो ठीक है ना, चेक करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो आपकी गाड़ी के जो टायर है वो घिस जाएंगे क्या? बस एक बार चेक ही तो करना है, वो करके हम वापस आ जाएंगे। सेक्शन में है ये, लेफ्ट या राइट? राइट। लेफ्ट नहीं, राइट में होगा। लेफ्ट में है, मेरा फार्म हाउस है, मुझे ज्यादा पता है। और रियली, आपको तो रास्ता भी नहीं पता होगा, है ना? तुम शायद भूल रही हो, पिछली बार जब मैं तुम्हें लेकर गया था तो कौन किसने डायरेक्शंस ढूंढे थे? मैंने ही ना। तब भी आपको आदि ने ही डायरेक्शंस बताए होंगे, और अब तो आप पूछने नहीं वाले। एक सेकंड, मुझे आदि की कोई जरूरत नहीं है, ना डायरेक्शंस के लिए, ना लाइफ में किसी और चीज के लिए। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंटली, मैं जानता हूँ मेरी मॉम वहां नहीं है। ओके, पीहू को लेके फार्म हाउस नहीं गई है, तो मैं वहां नहीं जाने वाला हूँ। क्या हुआ, बहस कर करके भूख लग गई आपको? तो मेरी इस तरह जान लोगी तो भूख तो लगेगी ना मुझे। यहाँ थोड़ी ना खाएंगे आप, ये तो आपकी शान के खिलाफ होगा ना। चिप्स मिलेंगे? जी सर। कितने का है? 50 रुपए सर। आज पता चला मैं आदि पे कितना डिपेंडेंट हूँ। क्या करूँ, प्रिया से उधार ले लूँ? नहीं नहीं, फिर से ताना मारेगी। मैं एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अरे अरे साहब, चिप्स के पैसे। एक सेकंड, ये क्या कर रही हो तुम? ये मेरी सीट है, यहाँ से हटो, अपनी सीट पे जाओ। हटूंगी तो गाड़ी चलाऊंगी कैसे मिस्टर कपूर? तुम गाड़ी चलाओगे? हाँ, आपको बैठना है तो बैठिए, नहीं तो मैं अकेले जा रही हूँ फार्म हाउस, आपकी प्यारी गाड़ी में। जाओगी तब जब रास्ता पता होगा तुम्हें। तो मैं आदि से पूछ लूंगी, आदि है मेरे पास। ये मेरी गाड़ी, ये बच्चों का खेल नहीं है। ओके, तुम्हें एक तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कार, एक्सीडेंट हो सकता है, जस्ट गेट आउट ऑफ माय। हां तो ठीक है, आप अपनी कार रख लीजिएगा, मैं अपनी बेटी रख लूंगी, क्योंकि आपको तो गाड़ी की ज्यादा चिंता है। ये पीहू की बात नहीं है। ओके, पीहू बीच में मत लेकर आओ इसमें। पीहू है बीच में मिस्टर कपूर, आपकी मॉम पीहू को किडनैप करके ले गई है। किडनैप नहीं की, आई एम जस्ट रिपीटिंग मायसेल्फ अगेन। ओके, देखिए आप यहाँ पर खड़े रहिए और किसी और से बहस कीजिए, क्योंकि मैं फार्म हाउस जा रही हूँ पीहू को ढूंढने, बस। ओके ओके ओके, लिसन, हम फार्म हाउस जाएंगे, ओके okay? लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगा, उतरो यहाँ से, पहले से बता रहा हूँ कि वो फार्म हाउस में नहीं मिलने वाले। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।